मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ा खुलासा। सपा के दाव से लंबा खिंचेगा अदालती मामला। अखिलेश की वजह से रुका मिल्कीपुर उपचुनाव। भाजपा ने सपा सांसद अवधेश प्रसाद पर लगाया बड़ा आरोप। नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में खाली पड़ी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन 10 सीटों की जगह अभी सिर्फ 9 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हुई है। जी हाँ, 10 विधानसभा सीटें रिक्त हैं। इन 10 सीटों में से 9 सीटों के लिए उपचुनाव कार्यक्रम का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है, लेकिन एक सीट बाकी रह गई है, अयोध्या की मिल्कीपुर। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव अभी नहीं कराने के फैसले के पीछे चुनाव आयोग ने पूर्व विधायक और 2022 के चुनाव में इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रहे पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ की ओर से हाई कोर्ट में दायर याचिका पेंडिंग होने का तर्क दिया गया है। इसे लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा है। वहीं मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का मामला फिलहाल लंबा खिंच गया है। दरअसल बाबा गोरखनाथ बीते दिनों लखनऊ अपनी दायर याचिका वापस लेने के लिए जहां हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अब 15 दिन बाद की डेट दी है। वहीं भाजपा नेता गोरखनाथ बाबा ने आरोप लगाया है कि स्थानीय सपा सांसद अवधेश प्रसाद की तरफ से विरोध में कई वकील खड़े किए गए हैं, इस वजह से हाई कोर्ट ने सुनवाई बढ़ा दी। तो वहीं सपा ने भाजपा पर मिल्कीपुर में हार को देखकर उपचुनाव टलवाने का आरोप लगाया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेताओं ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। दोनों दलों ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा है। दूसरी ओर यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीखों में बदलाव की मांग के लिए भाजपा ने चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया है। भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने अपने ज्ञापन में कहा है कि 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है, इसके चलते कुंदरकी, मीरापुर, गाजियाबाद और प्रयागराज में लोग 3-4 दिन पहले इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे में चुनाव आयोग को कार्तिक पूर्णिमा को ध्यान में रखते हुए उपचुनाव की तारीखों में बदलाव करना चाहिए। जहां भाजपा ने 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को उपचुनाव कराने पर विचार करने का सुझाव दिया है। हालांकि अभी तक आयोग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जाहिर है मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर क्षेत्र में सीएम योगी से लेकर भाजपा के तमाम बड़े नेताओं के कार्यक्रम हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि भाजपा ने मिल्कीपुर सीट को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है, इस वजह से सामाजिक समीकरणों को साधने तक की चर्चा हो रही है, क्योंकि दोनों बार समाजवादी पार्टी को यहां से जीत मिली थी। इसको लेकर सपा का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। वहीं भाजपा अपनी खोई जमीन वापस पाने की जद्दोजहद में लगी हुई है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।